डिमांड, मांग की धारणा। मांग की धारणा को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हम आम बोलचाल की भाषा में एक छोटे वर्ड यूज करते हैं, जैसे इच्छा, आवश्यकता है और एक मांग। हम तीनों के तीनों वर्ड को आम बोलचाल की भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं। हम आम बोलचाल के अंदर इन तीनों वर्ड क्या मान लेते हैं कि हमारी इच्छा है तो भी हम उसको क्या मान लेते हैं कि हमारी मांग है, हमें आवश्यकता किस चीज की, तो भी कहते हैं हमें इसकी मांग है या मांग है, वो तो मांग है ही। लेकिन जब बात आती है बेटा इकोनॉमिक्स, किसकी बात आती है, इकोनॉमिक्स की बात आती है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, इच्छा का, आवश्यकता का, मांग का, तीनों के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमें इन तीनों वर्ड के बारे में पता चाहिए कि इच्छा क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है और मांग क्या होती है। इच्छा, डिजायर इसी की बोलते हैं बेटा हम, डिजायर हमारी क्या होती है, डिजायर के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई नहीं, हमारे पास एक अच्छी सी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल की हमारे मन में इच्छा है, लेकिन क्या है उसको खरीदने, मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए हमारे पास क्या है बेटा, पैसा, धन नहीं है, मतलब कि आर्थिक दृष्टि से हम मोटरसाइकिल खरीदने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो उस समय पर हमारे को क्या कहलाएगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ वो हमारी क्या कहलाएगी, इच्छा कहलाएगी। बात आती है आवश्यकता, नीड, नीड की बात आती है, आवश्यकता की बात आती है, हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हमारे पास क्या है, पैसा, धन दोनों है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते, खरीदते नहीं है, क्या नहीं करते उसको, खरीदते नहीं है। जब हम उसको खरीदते नहीं है तो वो हमारी क्या है बेटा, आवश्यकता, क्या है वो हमारी आवश्यकता। बात आती है डिमांड, मांग या डिमांड, डिमांड क्या होती है, जब हमारे पास हमारी इच्छा हुई मोटरसाइकिल को खरीदने की, क्या हुई कि हम हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमारे मन में इच्छा भी हुई, हमारे पास क्या है, पैसा भी है, मोटरसाइकिल की आवश्यकता, इच्छा भी हुई, पैसा भी है और हम उसको क्या है बेटा, खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, मांग, वो हमारी क्या होती है बेटा, मांग, क्या कहलाती है हमारी, मांग। तो आज हमारा टॉपिक यही है, थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग की धारणा। सबसे पहले अब जो इकोनॉमिस्ट होते हैं बेटा वो मांग और मांगी गई मात्रा के अंदर भी क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, किसके अंदर, मांग और मांगी गई मात्रा। मांग और बेटा मांगी गई मात्रा, अब आप सोचो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, मांग और मांगी गई मात्रा के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मांगी गई मात्रा क्या होती है, मांगी गई मात्रा, अन्य बातें समान रहने पर, क्या बेटा, अन्य बातें समान रहने पर, ये वर्ड है बेटा जो इस चैप्टर के अंदर आपने बहुत ध्यान रखना है, ये आपकी जो अन्य बातें हैं, इन अन्य बातों के बारे में आपको चैप्टर के अंदर आगे स्पेशल बताया जाएगा कि अन्य बातें क्या होती हैं। जब आप उस टॉपिक को जब आप कवर कर लेते हो तब आपको पता चल जाएगा कि अन्य बातें कौन कौन सी हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर, एक निश्चित कीमत पर, क्या, अन्य बातें समान रहने पर, एक निश्चित कीमत पर, एक उपभोक्ता,
एक उपभोक्ता उसकी कितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक है। क्या एक चीज का आपने इसके अंदर भोजन ध्यान रखना है, अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर, अलग अलग निश्चित ग्रहण कर देना, एक उपभोक्ता उसकी कितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक है और क्या है बेटा योग्य। क्या होती है? इच्छुक भी होना चाहिए और योग्य भी होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे बेटा? मांगी गई मात्रा। उसे क्या कहेंगे बेटा? हम मांगी गई मात्रा। इस मांगी गई मात्रा मतलब मैंने क्या कहा है, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें का मतलब है कि जो ये इसमें हमने किस टॉपिक को उठाना है, कीमत को छोड़कर, क्या कीमत को छोड़कर यदि किसी भी चीज के अंदर परिवर्तन नहीं होता है, जैसे उसकी आय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी इच्छा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, संबंधित वस्तु की मांग के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये होती है अन्य बातें। मतलब कि कीमत को छोड़कर अन्य किसी चीज के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अन्य बातें समान रहती हैं। यहां पर क्या कहा गया है? एक निश्चित कीमत। क्या कहा गया है? निश्चित कीमत के ऊपर एक उपभोक्ता, क्या है, एक उपभोक्ता उसकी कितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक भी होना चाहिए और बेटा क्या होना चाहिए योग्य। मतलब उसके मन में अब इच्छुक इच्छा, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इच्छा क्या होती है और आवश्यकता क्या होती है, मांग क्या होती है। जब वो उसका इच्छुक भी है और योग्य भी है, योग्य मतलब उसके पास उतना पैसा है कि वो उस वस्तु को क्या कर सकता है बेटा, खरीद सकता है, तो इच्छुक भी है योग्य भी है, तो उसे क्या कहा जाता है, वस्तु की मांगी गई मात्रा। मान लीजिए क्या है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं आइसक्रीम का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल लेते हैं ना, आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आइसक्रीम जिसकी मैंने क्या कहा था, आइसक्रीम अन्य मात्रा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, निश्चित कीमत, कोई भी कीमत निश्चित कर लीजिए कि मान लीजिए आइसक्रीम आती है 5 रुपए की, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता, मतलब कि मान लीजिए हम उसके उपभोक्ता हैं, उसकी कितनी मात्रा खरीदने की, यदि कहता है 5 रुपए कीमत है, हम कितनी की इच्छा कितने के हमारे मन में कि हमें कितनी आइसक्रीम चाहिए 10, तो हमारी इच्छा कितनी है 5 रुपए कीमत होगी तो हम कितनी आइसक्रीम खरीद सकते हैं, खरीदने की इच्छा हमारे 10, और हमारे पास कि एक आइसक्रीम कितने के आती है 5 की, तो 10 की कितने जाएंगी 50 रुपए की, तो योग्य, योग्य मतलब हमारे पास 50 रुपए भी हैं, हमारे मन में आइसक्रीम खरीदने की इच्छा भी है, और कितनी खरीदने की इच्छा है 10, और 10 आइसक्रीम खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं, लेकिन आइसक्रीम की कीमत क्या होनी चाहिए बेटा 5 होनी चाहिए, तो 5 कीमत के ऊपर हम उस आइसक्रीम की कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक भी हैं और क्या है योग्य भी हैं। योग्य मतलब हमारे पास इतना पैसा भी है कि हम इसकी इतनी मात्रा क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा, मांगी गई मात्रा। क्या कहलाएगी वो? हमारी मांगी गई मात्रा। क्या कहलाएगी वो? हमारी मांगी गई मात्रा। ये थी हमारी मांगी गई मात्रा। अब हम पढ़ते हैं मांग, डिमांड क्या होता है, मांग में और मांगी गई मात्रा में क्या अंतर होता है। मांग में और मांगी गई मात्रा में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यही बात अन्य बातें समान रहने पर, जब मांगी गई मात्रा की बात आती है तो उसके अंदर हमने कहता है एक निश्चित कीमत लेते हैं। क्या लेते हैं हम उसके अंदर? एक निश्चित कीमत। लेकिन जब बात आती है मांग की तो यहां पर हमने क्या लेना बेटा, सभी संभव कीमतों पर उपभोक्ता
किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक भी हो और क्या है योग्य भी है। क्या होती कि इच्छुक उसके मन में इच्छा भी होनी चाहिए और वो खरीदने में क्या होना चाहिए बेटा योग्य भी होना चाहिए। इसको समझने के लिए क्या है दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर निश्चित कीमत है, इसके अंदर है सभी संभव कीमतों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कीमत का डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है मांग और मांगी गई मात्रा के अंदर डिफरेंस है वो किस चीज का है सिर्फ कीमत की है, कीमत का प्रभाव इसके अंदर और अन्य बातें समान है पर ये बातें दोनों के अंदर समान है। तो यहां पर ये क्या कहेगी मांग। अब इसको समझते हैं क्या हमने बेटा मांगी थी मात्रा का एग्जाम्पल दिया था, हमारे मन में क्या थी आइसक्रीम को खरीदने की इच्छा थी, हमें निश्चित जब निश्चित कीमत कहते हैं पांच कीमत है तो हम उसको खरीदने कितनी आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं 10। मान लीजिए आइसक्रीम की कीमत कम होकर कितनी हो जाती है 4, तो हम कितनी आइसक्रीम खरीदने के इच्छुक हो जाएंगे बेटा कितनी आइसक्रीम खरीदते हम 12। मान लीजिए आइसक्रीम कीमत 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है 6, 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है 6 और 6 कीमत हो गई तो जाहिर सी बात है कि हम उस वस्तु की कम खरीदना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे कम खरीदना चाहेंगे तो हमारी मांग क्या हो जाती है बेटा कम होकर 8 हो जाती है। क्या हो जाती है कम होकर हमारी मांग 8 हो जाती है। तो कहता है जब बात मांग की मात्रा क्या देते हैं निश्चित कीमत कोई भी निश्चित चाहे 4 ले लो चाहे 5 ले लो चाहे 6 ले लो तो इन तीनों की तीनों अलग अलग कीमत किसी भी एक कीमत के ऊपर हम किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक भी है और योग्य भी है तो हमारी क्या कहलाती है मांगी गई मात्रा। लेकिन बात आती है जब मांग की तो कहता है यदि कीमत 4 है तो हम कितनी आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं 12 और यदि हमारी कीमत बढ़कर 5 हो जाती है तो हम उसकी कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक है 10 और जब बात आती है कि कीमत 6 हो जाती है तो हम उसकी आइसक्रीम की कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक हैं 8। तो ये कहता है विभिन्न संभव इसी के अंदर मांग के अंदर क्या कहता है विभिन्न संभव कीमतों के पर कि 4 कीमत है तो हम इतनी आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं 5 की और इतनी आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं 6 कीमत है तो हम इतनी आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं। तो कहता है विभिन्न संभव कीमतों पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने का इच्छुक भी है और योग्य भी है तो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा मांग। तो हमारी क्या कहलाती है मांग। आया समझ में। अब बात आती है बेटा मांग परिभाषा डेफिनेशंस। इसी के आधार पर हमारी एक डेफिनेशन बनती है मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता क्या बेटा सिर्फ एक उपभोक्ता डेफिनेशन किसी वस्तु की वे मात्राएं जिन्हें एक उपभोक्ता
विभिन्न संभव कीमतों पर अन्य बातें समान रहने पर खरीदने का इच्छुक है और योग्य भी है। तो वह उस वस्तु की मांग कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? उस वस्तु की मांग। किसी वस्तु की वे मात्राएं जिन्हें एक उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर अन्य बातें समान रहने पर खरीदने की क्या होना चाहिए बेटा? इच्छुक भी होना चाहिए, मतलब उस वस्तु को उसको खरीदने की उसके मन में क्या होनी चाहिए? इच्छा भी होनी चाहिए और वो उसके क्या होना चाहिए बेटा? योग्य भी होना चाहिए। तो वह क्या कहलाती है? उस वस्तु की मांग कहलाती है। क्या कहलाती है? उस वस्तु की मांग। उसके बाद हम पढ़ते हैं मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल। बेटा मांग के बारे में अभी अभी आपको बताया गया है कि विभिन्न संभव कीमतों पर कहता है अन्य बातें समान खरीदने का इच्छुक योग्य होता है तो क्या कहलाती है हमारी मांग। जब बात आती है मांग अनुसूची की, क्या आती है बेटा? मांग अनुसूची की। मांग अनुसूची की बात आती है तो जब कहता है मांग अनुसूची शेड्यूल मतलब टेबल की जो तालिका, क्या कहलाता है इसे? तालिका लिखा जाता है, टेबल या जब कहता है जो विभिन्न संभव कीमतों के उपरों की क्या दिखाती है? टेबल दिखाती है। टेबल कैसे? चार कीमत है तो हम कितने वाज खरीदना चाहते हैं? 12। पांच कीमत है तो 10। कीमत 6 हो जाती है तो 8। और कीमत बढ़कर 7 हो जाती है तो हम कितनी खरीदते हैं? 6 खरीदते हैं। तो कहता है जो ये टेबल है, क्या तालिका, ये तो तालिका थी, चार कीमत के ऊपर हम इसकी कितनी खरीदने की इच्छुक है? 12। और योग्य भी है, पांच कीमत है तो कितनी? 10। छह कीमत है तो 8। सात कीमत है तो 6। तो कहता है ये जो तालिका इसके द्वारा बनाई गई है कि विभिन्न किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर अन्य बातें समान है खरीदने की इच्छुक एक उपभोक्ता की खरीदने की इच्छुक और योग्य भी है, तो उस वस्तु की मांग को दर्शाने वाली जो ये तालिका जिसे टेबल बोलते हैं बेटा, इसे क्या कहा जाता है? मांग अनुसूची कहा जाता है। याद करने का तरीका क्या है बेटा? आपको मांग की जो डेफिनेशन है इसको सेम एज जो आपने याद की थी उसके अंदर उस वस्तु क्या हमने कहा था, याद की थी किसी वस्तु की मात्रा जिन्हें एक उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर अन्य बातें समान रहने पर खरीदने का इच्छुक है और योग्य भी है, तो उस वस्तु क्या कहलाती है बेटा? मांग कहलाती है। तो कहता है किसी वस्तु की मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका यहां पर क्या वर्ड यूज करना है? यहां पर एक छोटी सी चीज होती है दर्शाने की, किसी वस्तु की वे मात्राएं जिन्हें दर्शाने वाली तालिका जिन्हें एक उपभोक्ता विभिन्न संभव कीमतों पर अन्य बातें समान रहने पर खरीदने का इच्छुक और योग्य भी है, तो उस वस्तु क्या कहलाती है बेटा? मांग कहलाती है। तो इसमें मांग कहलाती है, यहां पर क्या लगाना हमने, वह उस वस्तु क्या कहलाएगी? मांग अनुसूची कहलाएगी। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? वह उसकी क्या कहलाती है बेटा? मांग अनुसूची कहलाएगी। परिभाषा, अब मांग अनुसूची है बेटा वो दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है? दो।
जो मान अनुसूची है ना वो कितने प्रकार की होती है? दो। व्यक्तिगत मान अनुसूची, दूसरी हमारी है बाजार मान अनुसूची। क्या है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरी हमारी क्या है बेटा? बाजार मांग अनुसूची। अब इन दोनों के अंदर मैंने अभी अभी आपको मांग अनुसूची की परिभाषा आपको बताई थी कि किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका जिन्हें विभिन्न संभव कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के इच्छुक होते हैं और योग्य होते हैं, तो उस तालिका को हम क्या कहते हैं बेटा? मांग अनुसूची कहते हैं। तो उसके अंदर यदि हम क्या कहता है, एक उपभोक्ता ले लेते हैं, क्या कहते हैं? एक उपभोक्ता ले लेते हैं, एक उपभोक्ता को लेते हैं, किसको लेते हैं? एक उपभोक्ता की किसी वस्तु की एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर किसी वस्तु की जो खरीदने की इच्छा और उनके जो योग्य है बेटा उनको जो दर्शाने वाली तालिका है उसे तो क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और दूसरी हमारी जब कहता है बाजार मांग अनुसूची तो उसके अंदर क्या होता है? बाजार में सभी उपभोक्ता बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की उन मात्राओं के रूप में दी जाती है जो उस वस्तु के सभी उपभोक्ता किसी निश्चित समय पर संभव कीमतों पर क्या होंगे बेटा? खरीदेंगे। तो इसको दर्शाने वाली जो तालिका होती है उसे क्या कहा जाता है? बाजार मांग अनुसूची। से क्या कहा जाता है बेटा? बाजार मांग अनुसूची कहा जाता है। अब बात आती है बेटा मांग वक्र। क्या आता है उसके बाद हमारा? मांग वक्र, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व होता है बेटा वो क्या होता है कि जो हमने ये तालिका जो टेबल हमने बनाई थी कि क्या किसी वस्तु की क्या कीमत है तो हम उसकी कितनी मात्रा खरीदते हैं, इतनी खरीदते हैं, 5 कीमत इतनी खरीदते हैं, 6 कीमत इतनी है और 7 कीमत अच्छा हम उसकी वस्तु की इतनी मात्रा खरीदते हैं, जो हमारी जो टेबल है ये तो क्या कहलाती है? मांग अनुसूची। जब कहता है इस टेबल के टेबल को हम किसके द्वारा प्रयोग कर किसके द्वारा दर्शाते हैं? ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं? ग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं? ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? मांग वक्र। क्या कहलाता है हमारा? मांग वक्र। मांग अनुसूची की तरह ये मांग वक्र व्यवहार कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स के होता है, दो बार व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा हमारा होता है बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जब कहता है एक उपभोक्ता की विभिन्न मांगों को दर्शाने वाली तालिका को जब हम ग्राफ के द्वारा प्रकट करते हैं बेटा तो वो तो हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिगत मांग वक्र। और बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ताओं के द्वारा किसी वस्तु की जाने वाली मांग को जब हम ग्राफ के द्वारा वक्र के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे क्या कहलाता है? बाजार मांग वक्र। जो डिफरेंस हमारा अनुसूची में था व्यक्तिगत में और बाजार मांग अनुसूची के अंदर डिफरेंस था वही का वही इसके अंदर है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र के अंदर। जब व्यक्तिगत की बात आती है तो इसके अंदर हम किसको लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक उपभोक्ता को। और जब बात बाजार की आती है तो बाजार के अंदर जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन सभी उपभोक्ताओं को हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? शामिल करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, कल हम मांग फलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे कल हम? मांग फलन के बारे में। यदि
आपको यहां तक यदि कोई आपकी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप कमेंट्स डाल सकते हैं। आपका जो क्वेरी का सॉल्यूशन है बेटा, वो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, और जितनी भी आपकी क्वेरी है उनको कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक्स, धन्यवाद।